निशा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो अपने आप को दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानती थी। उफ, ये खूबसूरती, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। पर क्या करे, दुनिया में मुझसे सुंदर तो दूसरी है ही नहीं। हाँ हाँ, भगवान के पास तो सिर्फ एक ही साचा था, तुझे बनाने के बाद उसने वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए पूरी दुनिया में तू अकेली सुंदर बची है। अरे माँ जी, आपका भाई। अरे मेरी छोड़, मैं तो आते जाते रहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये मेरा घर है या किसी मिस इंडिया प्रतियोगिता का हॉल है, जहाँ सारा दिन तू अपने चेहरे पर पाउडर पोत के घूमती रहती है। ओहो, उसे मेकअप कहते हैं सासू जी। अरे आग लगे तेरे मेकअप को, मैं तो अपने बेटे के लिए बहू लाई थी, कोई कांच के शोकेस की गुड़िया नहीं। एक दिन दोनों सास बहू अपने किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं। अरे बहू जल्दी चलना, देर हो रही है। बस सासू जी, थोड़ी देर में आई। अरे 2 घंटे से थोड़ी देर बोल रही है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे बहू, तेरी शादी नहीं, चमन लाल के बेटे की शादी है, तू क्यों इतना सत्सवर रही है? फिर आखिरकार दोनों शादी में पहुंचते हैं। आइए आइए बहन जी, बड़ी देर कर दी। अब दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है भाई साहब, देर तो हो ही जाती है। तभी निशा की नजर स्टेज पर बैठे चमनलाल के बेटे भजनलाल पर पड़ती है। उसकी बगल में बैठी दुल्हन को देख निशा बोल पड़ती है, अरे ये क्या, भजनलाल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं किसी हीरोइन से शादी करूंगा, मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन ये क्या, ये तो, अरे बेचारी दिखने में ठीक ही तो है, बस थोड़ी सांवली है। कहां माँ जी, ये तो पूरी काली है, काली। आप भी ना जाइए, अपना चश्मा लगा के आइए। निशा की सास इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन निशा तो अपनी खूबसूरती का बखान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। हाँ भाई हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, हर किसी को मुझ जैसी खूबसूरत बहू तो नहीं मिल सकती। खैर कोई बात नहीं, चलिए सासुमा, चलकर खाना खाते हैं। बाय भजनलाल। इस तरह निशा के लिए दुनिया में उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ नहीं था। एक दिन निशा की सास घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी, अरे मर गई रे, सुबह से अकेले काम कर करके मेरी तो कमर ही अकड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। हे भगवान, इतनी सुंदर बहू देकर आखिर तू मुझसे किस जन्म की सजा दे रहा है? क्या हुआ सासुमा? अरे कहाँ मर गई थी और इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? वो मेरा मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, तो वही लेने बाजार जा रही हूँ। अरे बाजार बाद में जाना, चल ये झाड़ू पकड़ और कमरे की सफाई कर, और उसके बाद ना पोछा भी लगा देना। निशा मुंह बनाकर बोलती है, छी, झाड़ू पोछा, क्या बात कर रही हैं आप सासुमा, अभी अभी तो मैंने मेकअप किया है, आप मुझसे ये सब काम कैसे करवा सकती हैं? धूल मिट्टी से मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया से आई है? हे भगवान, अब इसका मैं क्या करूं? तभी दरवाजे पर एक सेल्समैन आता है। नमस्ते बहन जी, गुमालिया कंपनी से आया हूँ, हमारी कंपनी एक से बढ़कर एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, मेकअप का एक बॉक्स लेने पर एक फ्री, और ऑफर सिर्फ सीमित समय तक ही है। निशा खुश होकर कहती है, अरे वाह, एक पे एक फ्री। फिर निशा अपनी पसंद का सारा मेकअप का सामान खरीद लेती है और सेल्समैन को उसके पैसे दे देती है।
अरे बहू, इस तरह राह चलते लोगों से खरीदारी करना ठीक नहीं। सब चाइना कंपनी का घटिया माल बेचते हैं। आप मुझे मत सिखाइए सासुमा, मैं तो एक नजर में देख के बता देती हूँ कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसा है। दूसरी तरफ, चलो टारगेट पूरा हुआ, अब मेरा बॉस खुश हो जाएगा। जब तक दुनिया में ऐसे बेवकूफ रहेंगे, अपना बिजनेस तो चलता रहेगा। दूसरे दिन जब सुबह निशा सोकर उठती है तो आईने में अपना चेहरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या हो गया? तभी निशा की सास वहां आती है और निशा का चेहरा देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये सफेद साड़ी वाली चुड़ैल मेरे घर में कहां से आ गई? अरे सासू माँ, मैं निशा हूँ, आपकी बहू। अरे तेरी शक्ल तो बंदरिया जैसी हो गई। अरे पर ऐसा कैसे हो गया? अरे परसों जो सेल्समैन मेकअप का सामान दे गया था ना, उसकी वजह से। अरे पगली, मैंने तो तुझे समझाया था कि चाइना का माल मत ले, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, अब भुगत। चलो अच्छा है, कम से कम अब इसके सिर से सुंदरता का भूत तो उतर जाएगा। मेरा चेहरा, मैं क्या करूंगी? दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं चाइना माल कभी भी ना खरीदें।